SCST एक्ट के विरोध में 2 अप्रैल को हुए भारत बंद में सैकड़ों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक मेरठ से BSP के पूर्व विधायक योगेश वर्मा भी हैं, जिन पर रासुका लगाई गई थी। वह अभी भी जेल में है। पूर्व विधायक योगेश वर्मा की बीवी सुनीता वर्मा ने प्रशासन पर योगेश वर्मा की हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक हफ्ते से उनके पति गंभीर रूप से बीमार हैं और वह मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। जेल प्रशासन योगेश वर्मा को दिल्ली एम्स के बजाय मेरठ मेडिकल से लखनऊ ले जा रहा है। उन्हें डर है कि उनके पति के साथ हत्या की साजिश न हो। बीजेपी सरकार में बहुजनों पर अत्याचार किया जा रहा है। BSP पूर्व विधायक योगेश वर्मा पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। योगेश वर्मा की बीवी ने आरोप लगाया है कि लोकतंत्र में आंदोलन करना सामान्य बात है, लेकिन जिस तरह से 2 अप्रैल को योगेश वर्मा जी को घेरा गया है, यह सरकार की तानाशाही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।